दोस्तों सामने वाली जो आप पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं वो पुणे का सबसे पुराना और सबसे फेमस कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज। लगभग इस कॉलेज से जो भी पढ़े वो सब बड़े बड़े ऑफिसर या पॉलिटिशियंस बने। तो चलिए गाइस एक्सप्लोर करते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस जस्ट कॉल और मैं जा रहे आज का लास्ट जो विजिट प्लेस था हमारा FC फर्ग्यूसन कॉलेज, जो पुणे का सबसे मोस्ट पॉपुलर और पुराना कॉलेज है। तो गाइस देखेंगे कॉलेज कैसा है और उसका आर्किटेक्ट कैसा है। चलो फिर गाइस चलते हैं और दिखाते हैं आपको फर्ग्यूसन कॉलेज। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदर, ये रहा फर्ग्यूसन का मेन गेट। गाइस अभी हम आ चुके हैं मेन गेट से अंदर, अभी जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, थोड़ा सा अंदर ही कॉलेज देखते तब तक। अभी हम पैदल चल रहे हैं जरा, यहाँ पे कैसा अभी फिलहाल छुट्टियाँ चल रही है, कुछ जनों के पेपर हो चुके और कुछ लड़के हैं आसपास, तो चलो देखते हैं फिर कैसा है कॉलेज। सो गाइस ये सामने वाला फर्ग्यूसन कॉलेज, अभी हम जाएंगे मेन बिल्डिंग के अंदर, ये पूरा कैंपस एरिया है। चलो फिर देखते हैं कैसा है कॉलेज। सो गाइस ये पुणे में का सबसे ओल्ड कॉलेज और सबसे पॉपुलर। सो गाइस जैसे देख सकते हैं ये पूरा फर्ग्यूसन कॉलेज। सो गाइस ये फर्ग्यूसन कॉलेज की फेमस लाइब्रेरी, अभी हमें पता नहीं अंदर जाने देते या नहीं देते क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी कार्ड या पास नहीं है। सो देखते हैं, जान दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर के बाहर ही आ जाएंगे। जैसे जैसे हम अंदर तो आ चुके हैं, अभी देखते हैं लाइब्रेरी कैसी है, मतलब कोई रोकने वाला नहीं था इसलिए हम अंदर घुस गए। अभी देखते हैं लाइब्रेरी और फिर देखते हैं पूरा कॉलेज। आपने देखा ये था फर्ग्यूसन कॉलेज की लाइब्रेरी, अंदर बोलना मना था एज यूजुअल कॉलेज रूल्स, और यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी इसलिए हम अंदर घुस पाए। गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज सपोर्ट। सो गाइस हम अभी आ चुके हैं लाइब्रेरी के बाहर, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा कॉलेज, देखेंगे कैसा कैसा है। सिर्फ हमें किसी ने रोकना नहीं चाहिए क्योंकि हम एक्चुअल में स्टूडेंट है नहीं, सीधा बाहर निकाल देंगे नहीं तो हमको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा कैंपस एरिया है, और ये वाला कौन सा पार्ट है भाई, ये वाला ये एम्पी थिएटर है जहाँ पे सब प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे तुकाराम मुंडे आ चुके हैं, मतलब बड़े बड़े जो VIPs और ऑफिसर वगैरह है वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस हम अभी एक्सप्लोर करने वाले पूरा कॉलेज, कॉलेज का अलग अलग डिपार्टमेंट वगैरह देखेंगे अभी ऑफिस। सो गाइज ये फर्ग्यूसन का ऑफिस और फिलहाल ये बंद हो चुका है क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है कॉलेज का ऑफिशियल जो टाइम वगैरह है। हम जा रहे हैं ऑफिस के अंदर, मतलब ऑफिस तो बंद है पर बाहर बाहर का दिखाएंगे, ज़्यादा अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वॉचमैन वगैरह होंगे। तो गाइज चलो जल्दी पास देख लेते। सो गाइज ये ऑफिस, ये प्रिंसिपल का रूम। ये गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं ये अंदर का एरिया है ऑफिस वगैरह, और ये वाला है प्रिंसिपल का रूम जो फिलहाल बंद है, अभी लॉक वगैरह लगाना चालू है फिलहाल। तो चलो फिर गाइज चलते हैं स्पॉट पे। सो गाइज ये साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट अंदर इसके। सो गाइज ये केमिस्ट्री लैब, मुझसे अच्छा यशोपाल बता सकेगा क्योंकि मुझे यहाँ का इतना पता नहीं है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, जैसा अपने पुराने ज़माने में रहता था अंग्रेजों के टाइम पे, तो ऐसा ही है इसलिए मुझे मतलब ऐसी चीज़ें देखना अच्छा लगता है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइज ये इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये कौन सा वाला है भाई, ये वाला
केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पूरा वाला की सब 11 12 फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक सबकी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह है कौन से डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये है पूरा अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह, पूरा पत्थर का बना है, काफ़ी लोग मतलब एडमिशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सो गाइस हम देख रहे हैं अभी मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की मेरे बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह है, एनसीसी वगैरह, अभी सामने बॉटनी वगैरह लैब है, तो देखते हैं गाइस कैसा है। स्पेशली विशाल और यशपाल यहाँ से ही पढ़े दोनों, मेरा बैड लक, मैं नहीं पढ़ पाया पर गाइस मैं देख रहा हूँ यार, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दिल से तमन्ना था जब मैं पुणे में आऊँ या कभी भी जब मेरा आना हुआ तो मुझे फर्ग्यूसन देखना था, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर पढ़ाई का पैटर्न वगैरह बहुत बढ़िया है। सो गाइस ये बॉटनी लैब, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिए कहाँ कौन से डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो स्टूडेंट वगैरह पढ़ते माइक्रोस्कोप्स वगैरह, ये कुछ डीएनए की डायग्राम वगैरह है। लैब थी यहाँ पे कुछ मतलब डायग्राम वगैरह बनाए थे पेड़ पे, अभी हम घूमेंगे और डिपार्टमेंट वगैरह। यहाँ पे लगभग सभी पत्थर का ही दिख रहा है और अंग्रेजों के ज़माने का ही दिख रहा है, ऐसे फिलहाल ही जैसे कि मैं उस ज़माने में पहुँच चुका हूँ। तो देखते ज़रा और कॉलेज वगैरह कैसा है यहाँ का। सो गाइस जो सामने वाला देख रहे हैं ना आप, वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, चलो ज़रा देखते हैं ज़रा थोड़ा पास में, क्योंकि अभी सब बंद है फिलहाल। सो गाइस ये वाला है फिज़िक्स डिपार्टमेंट, अभी फ़िलहाल सब बंद है ना, इसलिए अंदर जाके देख नहीं सकते। सो अभी बाहर बाहर से घूम रहे, देख रहे कैसे कैसे कॉलेज है। कौन सा वाला है वाला? साथी ओके। सो गाइस ये वाला है एमपी थिएटर, यहाँ पे सारे एनुअल प्रोग्राम वगैरह होते हैं। और ये है गाइस बंद, क्योंकि बैड लक। सो गाइस जो प्लेस एक्चुअल घूमने थे अंदर जाके कॉलेज के, पर कॉलेज बंद हुआ इसलिए हम देख नहीं पा रहे, इसलिए बार बार का ही नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो लैब्स वगैरह है और जो मतलब अभी हम जा रहे हैं स्पोर्ट ग्राउंड की तरफ, फर्ग्यूसन का जो स्पोर्ट ग्राउंड है, तो चलो गाइस वहाँ पे देखते हैं कैसा ग्राउंड है वगैरह। सो गाइस ये आगे वाला है स्पोर्ट ग्राउंड और जिम खाना वगैरह है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्ग्यूसन कॉलेज का ग्राउंड और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज के, मैच वगैरह यहाँ पे टीम वगैरह खेलने के लिए आती है, आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। कि पीछे का सेक्शन कीमया, जैसे कि आप देख सकते हैं जब ट्रेडिशनल डे वगैरह रहता है तो यहाँ पे सब खचाखच पूरा भरा हुआ रहता है, सब स्टूडेंट वगैरह रहते हैं यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे डीजे वगैरह रहता है, होम थिएटर वगैरह मतलब। सो गाइज ये कॉलेज की कैंटीन, ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये कॉलेज का हॉस्टल, फर्ग्यूसन कॉलेज का हॉस्टल ये वाला। और गाइज ये आगे वाला है कोर्ट, जहाँ पे यशोपाल आगे जा रहा है, वो है बास्केटबॉल कोर्ट, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट खेल रहे हैं बास्केटबॉल। सो गाइज ये था बास्केटबॉल कोर्ट, जिसके आप देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के बाहर, अभी सामने गेट है, वहाँ से हम बाहर जाएंगे। अभी यहाँ पे काफ़ी कॉम्बिनेशन वाले कॉलेज है, ये वाला लॉ कॉलेज इसके आगे जूनियर कॉलेज मतलब 11 12 वाला, काफ़ी मिक्सअप है यहाँ पे। सो गाइस अभी हम देख रहे हैं ये वाला लॉ कॉलेज है ये वाला, और उसके आगे 11 12 वाला कॉलेज है। सो गाइस वो जो मैंने दिखाया वो था लॉ कॉलेज, और ये था 11 12 कॉलेज, मतलब यहाँ पे पूरे कंबाइन कॉलेज वगैरह है, सब एक ही कैंपस के अंडर आता है पूरा वाला ही। गाइज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर न्यू वीडियोस। ज्यादा करके मेरे साथ यशोपाल जी, हमने काफी एंजॉय किया, मेरे वजह से इसका टाइम बहुत वेस्ट हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मैंने भी बहुत दिन हो गए, 3 महीने हो गए थे, मैंने देखा ही नहीं था कुछ, काफी एंजॉय किया गाइज। और मुझे यहाँ के ना सिंपलिसिटी और क्लीननेस काफी अच्छी लगी, हर जगह पे पेड़ वगैरह है, मतलब धूप का कोई शॉर्टेज नहीं है, समर में भी आप कभी बाहर घूमे काफी मजा आएगा। फर्ग्यूसन देखा, काफी प्लेसेस देखे, अभी बैठना पड़ेगा मतलब बस में जाना पड़ेगा, बहुत बोर हो जाऊंगा यार, पर ये यादें ना मेमोरी में फिट रह जाएंगी, घूमे थे वगैरह देखा था। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं रात को जाने के टाइम, तब तक के लिए बाय।